हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन नहीं है, ये कभी होती है कभी नहीं होती, ये भी सिचुएशन हो सकता है। या तो टोटली नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी वक्त हो गया है, साल हो गया है, महीने हो गए हैं, ये कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। अगर इस रीडिंग से आप कनेक्ट खुद को कर पाते हो, रेजोनेट आपसे होती है ये रीडिंग, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए बनी है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सभी साइंस वालों के लिए है, ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में? क्या वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं आपको? एक कार्ड आया है जो कि है मून का। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं जिनसे भी डील कर रहे हो, बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आया है आप दोनों के बीच, कभी सोचा नहीं था, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों सेपरेशन में आओगे, नो कांटेक्ट में चले जाओगे, या नो कांटेक्ट इतने वक्त का हो जाएगा, इन्होंने सोचा नहीं था। आप दोनों के बीच चीज़ें इतना बिगड़ जाएगी, इन्होंने नहीं सोचा था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है, या तो ट्रस्ट इशू है, क्लियर नहीं है फ्यूचर का, कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर का, ऐसा भी हो सकता है। या आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू है, या कोई पर्सन को लेकर, कोई थर्ड पार्टी को लेकर कहा सुनी होगी, ट्रस्ट इशू मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, नो कांटेक्ट है तो बिल्कुल आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, याद करते हैं आपको, उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं, मायूस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश इन्होंने काफ़ी किया है, करते हैं, पर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। एक वक्त पर आपने कितना ज़्यादा इनको लव दिया था, केयर दिया था, और आज भी आप देते हो, पर इनकी फीलिंग्स ऐसा ना कि ये खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं इमोशनली। वैसे तो हो सकता है कि बिल्कुल आप भरपूर प्यार दे रहे हो, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी प्रॉब्लम है इनके सोच में है, इनके लाइफ में है, इनको ट्रस्ट इशू है। अगर आपके साइड से कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, इनके साइड से हो सकता है, आप दोनों के बीच हो सकता है, या ट्रस्ट इशू इनकी खुद की हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आप बदल जाओगे, चेंज हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाएगा आप दोनों का कनेक्शन, या इनको भरोसा नहीं होती कि आप इनसे प्यार करते हो, इनके साथ हमेशा रहोगे, इनका साथ निभाओगे, या आपके साथ पता नहीं डेस्टिनी है भी कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इनको ट्रस्ट इशू काफ़ी सारा है, पर हाँ आप उमेश कर रहे हैं करेंटली, और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। कुछ बात छुपा हुआ है जो कि आपके सामने आने वाली है, कुछ आपको पता नहीं है, वो आपके सामने आएगी, वो चीज़ आपको हर्ट कर सकता है, पर वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। खुद को संभाल पाना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ये तो ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ बात जो कि आपके सामने नहीं आई थी वो रिवील हो गई है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बात आपसे हिडन है, हाइड है, सामने नहीं आई है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके लाइफ से क्यों गए, इन्होंने क्यों खुद को स्टॉप किया आपसे बात करने से, क्यों ये नो कांटेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे लेट को करा है तो आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्या फ्रेंड्स हैं या रोमांटिक पार्टनर हैं? तो कुछ आपके बात सामने आएगी, ठीक है, कि आखिर रीज़न क्या है इनके जाने के पीछे। यूनिवर्स मुझे बताएं,
इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कांटेक्ट चाहते हैं इनके पार्टनर इनके साथ, बताएं मुझे। बिल्कुल गाइस, ये कांटेक्ट चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले शायद आपके पार्टनर रेडी नहीं थे क्योंकि इनका फोकस कैरियर पर था, इनको मनी इशू हो रहा था, हेल्थ इशू हो रहा था, कैरियर में प्रॉब्लम हो रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे आपके पार्टनर। तो वैसा दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम रहा है इनकी लाइफ में वो सॉल्व हो गई है, और अगर करेंटली प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस स्ट्रगल में आपको शामिल नहीं करना चाहते आपके पार्टनर, ठीक है। ये आपको स्ट्रगल फुल लाइफ नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनके साथ इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में रहो। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ हैं, ये आपको टाइम नहीं देते, बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आपको ये लगता है कि आपसे प्यार नहीं करते, शायद इनके लाइफ में कोई और है, आपको ट्रस्ट इशू है। पर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसा देख पा रही हूँ कि ये बस आपकी वहम है, आपकी गलत फहमियाँ हैं, या आपका ट्रस्ट इशू है। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपसे लव करते हैं, इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है डेफिनेटली, कैरियर में मनी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि आपको शायद बता नहीं रहे हैं आपके पार्टनर, बट जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है ये सॉल्व करके ज़रूर आपके पास आएंगे, ये लौटेंगे, ठीक है। और जब लौटेंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, ठीक है, इनके पास बहुत कुछ होगी आपको देने के लिए, कमिटमेंट होगी, या आपके साथ कनेक्शन को सक्सेसफुल करना है, विक्ट्री पाना है, विक्ट्री हासिल करना है। खुद को दिखाना चाहते हैं ये कि ये राइट हैं आपके लिए, ठीक है, कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बिल्कुल राइट हैं, इनका प्यार सच्चा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं, पर शायद अभी रेडी नहीं है ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और ये अपना पूरा फोकस कैरियर पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं, करीब होते हैं, टच में, कांटेक्ट में होते हैं, आपके क्लोज होते हैं, तो ये सही से अपना फोकस कैरियर पर या स्टडी पर कर नहीं पाते। कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बिल्कुल सक्सेस की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस इनको चाहिए, तो आपके पार्टनर मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और सक्सेसफुल पर्सन बनकर आपके पास लौटना है इनको, ठीक है, ये मुझे इनका सोच दिखाई दे रहा है, इनका प्लान्स दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दुखी हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपके और कैरियर के बीच, तो आपके पार्टनर मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। और इनको राइट यही लग रहा है कि पहले कैरियर पर फोकस किया जाए, पहले कैरियर को बिल्ड किया जाए, कुछ बनकर लौटना है। और इनको पता है कि आप बिल्कुल वेट करोगे, इंतज़ार करोगे और इनके ही रहोगे, इनको पता है, इन्होंने आपको बता रखा है अपने प्लान्स के बारे में, ये तो नहीं बताया है, ठीक है, पर ये बीच बीच में आपसे बात करेंगे, इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं कब तक ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स बताएं मुझे, इनके पार्टनर कब तक इनको कांटेक्ट करेंगे, क्या ये खुद से कभी कांटेक्ट करेंगे। बहुत जल्द, कुछ ही वीक्स में, 1 वीक के अंदर या 1 डे के अंदर, 1 आवर के अंदर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, और जब इनसे बातचीत होगी या आप इनका कॉल टेक्स्ट रिसीव करोगे, आपको बहुत खुशी देगी। कुछ गुड न्यूज़ आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं प्लान्स के बारे में, इनका क्या गोल है, इनका क्या प्लान्स है आपको लेकर, या आपको कभी खोना नहीं चाहते, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो,
काफ़ी मायने रखते हो, काफ़ी कीमती हो इनके लिए, आपकी इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में क्या है आपको बता सकते हैं, आपको जता सकते हैं। मुझे क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साइड से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, ये इनका कॉन्टैक्ट करना, कॉल टेक्स्ट करना आपको बहुत खुशी दे रही है, तो ऐसा भी एनर्जी मुझे मिला है यहाँ पर। तो कुछ ही वीक्स में आपके पार्टनर, कुछ वीक्स में या तो कुछ आवर्स में या कुछ डेज में आपके पार्टनर आपको क्लियर करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। स्पेशली अगर ये चीटर नहीं है तो, ठीक है। और अगर इनके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये बदल गए हैं, ये चेंज हो गए हैं, इन्होंने धोखा दिया है, चीट करा है, इनके साथ बहुत बड़ी फाइट हुआ है, ये किसी और के साथ हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर लॉयल्टी ऑनेस्टी नहीं है या आपको लेकर नहीं है, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या इनसे उम्मीदें लगाना राइट है, सही होगी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टोटली चेंज हो गए हैं। आपको स्टॉक करते हैं, इस व्यक्ति की फीलिंग्स ऐसा है कि इन्होंने जो भी करा है, मुझे नहीं लग रहा है कि इनको एहसास भी है कि इन्होंने क्या किया है, आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, ये इन्होंने कितना आपको हर्ट कर रहा है, इनको एहसास भी नहीं है। तो किसी ऐसे पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो जिन्होंने आपको हर्ट कर रहा है या जिन्होंने कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एंड है, तो इनसे उम्मीदें लगाना सही नहीं होगी, ऐसा एनर्जी आ रहा है आपके लिए, कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ क्लियर है। पर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, आप दोनों फ्रेंड जोन में रहे हो, आप दोनों फ्रेंड्स थे या आपके नेबर थे, या आप दोनों के बीच पहले फ्रेंडशिप हो के या फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आप दोनों को, तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप आ रही है, आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे या आप इन फ्यूचर काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, आप सफलता हासिल कर रहे हो, आप काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, किसी तरह का जश्न हो रही है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है। जो चीज़ आपको हर्ट करती थी, आपको टेंशन देती थी, या जो सिचुएशन, कंडीशन, जो रिलेशनशिप, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आप पर बर्डन था, वो बोझ उतर रही है, वो बोझ बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव देख पा रही हूँ, आप अपनी लाइफ की क्वीन और किंग मुझे दिखाई दे रहे हो, आप मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो, आप वो कर रहे हो जिसमें आपकी खुशी है, जो आपके लिए बेहतर है, और बहुत जल्द आप क्लियर हो जाएंगे कि आखिर आपकी खुशी किस में है, आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या हासिल किया है, आप कुछ बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो या कोई सक्सेसफुल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी दिखाई दिया है यहाँ पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।